बातें रहे सो। हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज द सेकेंड डे ऑफ आवर बैंड ट्रिप। नाउ वी आर गोइंग टू लेक लुइस। लेक लुइस कैनमोर से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एंड अप्रॉक्स टाइम 1 आवर्स। यहाँ पे हम लोग वैम पार्क पे एंट्री कर रहे हैं और उसका चार्ज है $20 पर ग्रुप एंड पर डे। सो अब हम लोग लेक लुइस पहुंच गए बट हमें लेक के पास वाला पार्किंग नहीं मिला तो हमें पार्क करने के लिए सेकंड पार्किंग लॉट पे जाना पड़ा जो अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूर था। सो एक्चुअली यहाँ पे हमने एक गलती की थी जो मैं आपको बाद में वेलकम टू लेक लुइस। अब हम यहाँ वॉक करके लेक लुइस जा रहे हैं बट यंगस्ट के लिए ठीक है लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात होगी क्योंकि ये काफ़ी इंक्लाइन हाइट था। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर योर पेरेंट्स। लेक लुइस एंड दिस लेक इज सो ब्यूटीफुल बट कुछ दिन पहले ब्रिटिश कोलंबिया में फॉरेस्ट फायर हुआ था जिसके कारण उसका स्मोक यहाँ भी था, अल्बर्टा में भी था, तो विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी बट स्टिल इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। आवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ लेक मोरेन जो लेक लुइस से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है बट हमें वहाँ पे पार्किंग नहीं मिला। सो वहाँ के गाइड ने हमें एडवाइस दिया कि आप सेटल से आओ। सो हम लोग वापस से लेक लुइस के सिटी में आए इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि हमें सेटल कहाँ से मिलेगा एंड ऑल्सो वी एक्सप्लोर लेक लुइस विलेज। Sandwich.
कौन सा लेगी? वी गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर सेंटर एंड शटल जो जहाँ से मिलना था वो सिटी विलेज से 5 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग वहाँ पर गए और शटल का प्राइस $8 था जो बहुत ही सही था। और यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक किया था कि आप बस $8 दे के आप लेक लुइस भी जा सकते हो शटल से और लेक मोरेन भी। सो हम ऑलरेडी लेक लुइस जा चुके थे तो हम सिर्फ लेक मोरेन गए, बट जस्ट $8 आप दोनों जगह जा सकते हो शटल से। सो आई विल सजेस्ट यू आप लोग शटल लो बिकॉज पार्किंग का काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। And this is Lake Moraine. गोइंग टू वैम सिटी। वैम सिटी लेक लुइस से 60 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। इन वैम सिटी वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर केव एंड बेसिन बट वेर वी रीच देयर डैट वॉज क्लोज। सो वी डिसाइडेड टू गो टू वैम गोंडोला and here again we got the same issue, that parking issue. So again we go down and we park our car somewhere like 1 kilometer distance from gondola and फिर हम लोग वहाँ से चल कर वापस यहाँ विजिटर पॉइंट्स पे आए एंड फिर हमें पता चला कि यहाँ पर आने के लिए वैम सिटी से एक फ्री शटल चलती है, बट हम वापस से वैम सिटी नहीं जाना चाहते थे बिकॉज़ काफ़ी डिस्टेंस था, तो हमने बीच में ही कहीं कार पार्क कर दी। और यहाँ पे हमारा पूरा पैसा पानी में गया क्योंकि हमें ऊपर से कुछ भी नहीं दिख रहा था, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो था यहाँ पे। एंड वी सॉ सम डियर। We also explore Vam City and this is Bow Fall. And finally हमें पहली बार यहाँ पे parking मिला। This is Vam Downtown और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे restaurants, shopping malls, बहुत सारी चीज़ें हैं। This is very small city, so you don't need car to explore the city. So first आप park कर सकते हो अपने car को and उसके बाद पूरी city आप walk करके ही घूम सकते हो। For dinner we ate Thai food and I highly recommend if you will go there आप इसको जरूर try करना। Then we tried dessert for river tail, that was so yummy. We are going back to our hotel. It was a really nice experience. Thank you for watching and please share, subscribe my channel. Bye, take care.